दोस्तों जिसका डर था वही हो रहा है आज के टाइम, क्योंकि मैं पिछली मेरी जितनी भी वीडियो हैं उनके अंदर हमेशा आप लोगों को गाइड करता आया हूं कि आप ऐसा ना करें। तो काफ़ी लोग हैं जो इस समस्या में जूझ रहे हैं आज के टाइम, और वो आज के टाइम लॉस प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आज हमारे वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि एक नया अपकमिंग अफोर्डेबल आ रहा है जो सेक्टर 79 के अंदर है, शायद आपको पता भी होगा क्योंकि मैं किस अफोर्डेबल की मैं बात करने जा रहा हूँ। वो अफोर्डेबल है राजवी, कभी राजवी के नाम से है। तो आज हम उस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, और ये वीडियो मेरा मेन पर्पज़ बना रहा है जस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने अभी 1 से 2 दिन पहले मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने लेआउट पे शेयर किए थे मैनेजमेंट कोटा के, जो कि बड़े बैल्कनी और आपके टेरेसिज स्पेस के साथ है, जो कि 3 BHK की यूनिट है। तो उन्हीं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे टेलीग्राम चैनल के में जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो उनकी कुछ क्वेरियाँ थी, तो मैं वो सोल्व करने जा रहा हूँ आपके साथ कि उसके अंदर क्या क्या साइज है, क्या किस टाइप की क्या है। तो काफ़ी लोग को कुछ डिटेल का नहीं पता था, तो मैं उसको आज यहाँ पे आपके सामने कुछ ब्रीफ करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब ये अफोर्डेबल आएगा तो इसकी एक्चुअल जो साइज आएंगे कि किस टाइप से इसका साइज है, किस टाइप से इसके लेआउट आएंगे जो जनरल कोटा के अंदर आने वाले हैं, तो मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको लोन प्रोसेस का भी बताऊंगा कि आपको किस टाइप से इसमें लोन का प्रोसेस भी रखना है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है एमक्यू की है तो एमक्यू किस टाइप से आपको परचेज करना है, और जनरल कोटा के अंदर जाना है तो किस टाइप से। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों, क्योंकि वहां पे अपडेट देता रहता हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम में जाके आप वहाँ भी सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप के अंदर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और जानते हैं RLF जो अफोर्डेबल आ रहा है सेक्टर 79 के अंदर कि वो कैसा रहेगा आप लोगों। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं और आज के टाइम वो पछता रहे हैं, वो क्यों पछता रहे हैं। वो इसलिए पछता रहे हैं, मैं जब भी कोई अफोर्डेबल की वीडियो डालता था, पहले मैंने काफ़ी वीडियो भी डाली है, उनके अंदर भी मैंने स्टेप बाय स्टेप हर प्रोजेक्ट को गाइड भी किया है लोगों को, और साथ के साथ बताया भी है कि अगर आपको कोई टॉप फ्लोर निकलता है, कोई बैक फेसिंग निकलती है, कोई कुछ भी निकलता है, तो आप हमेशा उसको रखें, कैंसिल ना करें। तो लोगों ने नहीं मानी वो बातें, तो काफ़ी लोगों ने उन चीज़ों को कैंसिल करवा दिया। लेकिन उन्होंने कैंसिल करवाने के बाद नए अफोर्डेबल में अप्लाई किया, उस टाइम क्योंकि पूरी भरमार रहती थी अफोर्डेबल की, ये अच्छा नहीं है, अब इसकी लोकेशन अच्छी आ रही है तो इसमें अप्लाई कर देते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं, कुछ इस तरीके के सिस्टम रहे थे अफोर्डेबल के अंदर। तो आज के टाइम जो सिचुएशन आ गई है वो ये आ गई कि अफोर्डेबल आ ही नहीं रहे, गिने चुने ऐसे अफोर्डेबल आ रहे हैं जो आपकी लोकेशन के अंदर बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहे हैं आपके लिए। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, या तो आप जो अच्छी लोकेशन के अंदर अफोर्डेबल आए थे उनको आज कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे के आप परचेज करें जो कि जनरल बुकिंग के अंदर आए थे, या फिर आप कोई ऐसा अफोर्डेबल ट्राई करें जो भी अब आ रहे हैं, जैसे कि सेक्टर 79 की बात करते हैं, मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट में नहीं है लेकिन फिर भी आपको परचेज करना पड़ेगा क्योंकि इतनी सस्ती प्रॉपर्टी वहीं मिल सकती है। एक टाइम हुआ करता था जब भिवाड़ी बिकता था, भिवाड़ी क्यों बिकता था, क्योंकि गुड़गांव में उस रेंज की प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी। जैसे ही गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल का कंसेप्ट लेके आया, भिवाड़ी शट डाउन हो गई है। तो भिवाड़ी में आज के टाइम कोई नहीं जाना चाहता, जबकि भिवाड़ी के अंदर अफोर्डेबल रेट के अंदर अच्छे अच्छे लग्जरी फ्लैट मिल जाते हैं। तो यही कंसेप्ट पे कुछ टाइम के बाद वापस भिवाड़ी जाने वाला है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर जो भी अफोर्डेबल का जो कंसेप्ट चल रहा था वो धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, क्योंकि बिल्डर इसको या तो फिर कोई दीनदयाल प्लॉट ले आता है, या वहां पे कोई फ्लोर्स की टाउनशिप ले आता है अंडर दीनदयाल के अंदर, तो वो कोस्ट में जाते हैं, तो वहां पे बिल्डर अपने रेट खुद तय करते हैं, जबकि अफोर्डेबल के अंदर गवर्नमेंट रेट है जो कि 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है, और वही 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका बेल्कनी का साइज आता है।
तो जो सेक्टर 79 के अंदर जो अफोर्डेबल आने जा रहा है उसके अंदर आप अप्लाई करो। जो जनरल कोटा के अंदर जाना चाहता है जनरल कोटा के अंदर जाओ, क्योंकि अप्लीकेशन काफी ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि कुछ टाइम से अफोर्डेबल नहीं आ रहे हैं। तो लोगों ने सोच लिया है कि भाई अब जो भी आ रहा है उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे, ताकि क्या पता आगे किस टाइप का अफोर्डेबल आए ना भी आए, कुछ कह नहीं सकते। जब तक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो जाता आप बिलीव मत करो कि वो प्रोजेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर आप अप्लाई कर लेना अगर आप जनरल कोटा के अंदर जाते हैं। तो मोटी मोटी कुछ मैं आपको डिटेल के बारे में मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में जो राजविक जो नाम दिया जा रहा है वो राजविक एक्चुअल में राजेंद्र, जो कि पिरामिड के बड़े जो पिरामिड जो बिल्डर है उसके बड़े भाई है, उसका नाम है राजेंद्र। और एक ग्रुप है RLF ग्रुप जो भिवाड़ी में काम करता है, उन्होंने भिवाड़ी में दो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है सेक्टर 54 भिवाड़ी के अंदर, जो कि लो राइज की टाउनशिप है। उसमें 125 गज के ऊपर 2 BHK और 170 गज के ऊपर 3 BHK के कॉन्सेप्ट में दो प्रोजेक्ट भिवाड़ी के अंदर लॉन्च किए थे। इधर गुड़गांव के अंदर आ रहा है और ये दो मिलके इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। यानी जो पिरामिड है, पिरामिड ने अभी अफोर्डेबल लाना बंद कर दिया है। पिरामिड भी लग्जरी कंसेप्ट के अंदर जा चुका है। आपने देखे होंगे कि पिरामिड ने कुछ SU प्लॉट, कुछ दीनदयाल के प्लॉट भी लॉन्च किए हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर ये दो मिलके बना रहे हैं, राजेंद्र के RAJ और विकास नाम है जो RLF ग्रुप के ओनर्स हैं उनके नाम से VIK यानी राजवीक के नाम से ये ग्रुप है। लेकिन एक्चुअल में ये नाम नहीं आएगा, एक्चुअल में कुछ और नाम आएगा इस टाउनशिप का। तो वो जब जिस टाइम आएगा उसके बारे में हम प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। जस्ट ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो है, किसी प्रकार की कोई सेलिंग या किसी प्रकार की मार्केटिंग नहीं है। मेरे सब्सक्राइबरों ने जस्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी, तो मैंने ये वीडियो सोचा कि आप लोगों के लिए मैं बना दूं। दोस्तों वीडियो के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वॉइस आ सकती है क्योंकि साइड वाले ऑफिस में ना काम चल रहा है। तो जो ये प्रोजेक्ट है ये आ रहा है सेक्टर 79 के अंदर और इसके चारों तरफ आ रहे हैं M3M के बिल्ड फ्लोर जो आप सुन रहे हैं इस टाइम, और उनकी बुकिंग भी चल रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हो सकता है दिसंबर एंड में और हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। लेकिन आने वाले टाइम में इस लोकेशन की वैल्यू बढ़ेगी, वो अब बढ़ेगी, क्योंकि पहले जब मैं वीडियो बनाता था उस टाइम मैंने बोला था कि भी ये चीजें यहाँ पे इस टाइम की प्रॉब्लम है, लेकिन आज के टाइम वहां पे चीजें हैं ना वो अपग्रेड हो रही है। जैसे कि वहां पे जो गोदरेज का प्रोजेक्ट है यार, उसके बगल में एक स्कूल बन रहा है। स्कूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहां पे जो भी किराएदार या फैमिलियां रहने जाते थे तो सबसे पहले बच्चों के लिए स्कूल ढूंढते हैं कि अच्छा कोई स्कूल है, तो वहां पे एक स्कूल भी बन रहा है। तो जब तक ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तब तक वो स्कूल है वो रेडी हो जाएगा। दूसरी बात है कि कनेक्टिविटी, आपने सुना होगा कि एक्सटेंशन SPR रोड को रीवैम्प किया जा रहा है। जहां जहां भी चौक है वहां पे आपके जो अंडर पास है फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, करीब 8 से 10 फ्लाईओवर वहां पे बनाए जाएंगे टोटल एक्सटेंशन रोड और SPR रोड को मिला के। आज जाना जरूरी है क्योंकि एक तो बेस्टेक ने वहां पे काफी अच्छा नाम कर दिया है, बेस्टेक एक्टिव हो गया है, अल्चुरा के अंदर काफी अच्छा रिस्पांस कस्टमरों ने दिया है। उसके बाद अब M3M जितनी भी लैंड वहां खाली थी अब वो M3M उसको फुल कर देगा। तो तीसरी बात यह है कि आपका जो अरावली की शाखाएं हैं वहां पे भी गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है। सफारी पार्क को लेके कुछ निशान वहां पे किए गए हैं भी, कहाँ पे क्या क्या चीजें बनाई जाएंगी, कहाँ से रोड निकाला जाएगा, कहाँ तक की बाउंड्री की जाएगी, तो गवर्नमेंट है वहाँ भी एक्टिव हो गई है। दूसरा है कि जो रोड मेजर कनेक्टिविटी रोड की थी कि वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, अब M3M मिलके और कुछ बिल्डर मिलके इस रोड को अब कनेक्ट कर रहे हैं। आपके जो NH8 से लेके जो नई पुलिस लाइन बनी है जो नौरंगपुर जोन के अंदर नई पुलिस, वो रोड NH8 से लेके वहां तक कनेक्टेड है, उसी रोड के साथ कनेक्ट होगा SPR से जो 79 के लिए जो रोड अभी बनने लग रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कि ये प्रोजेक्ट की क्या क्या कुछ डिटेल्स हैं जो अभी हमें रिसीव हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल लमसम आपका 404 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, और इसमें अगर हम यूनिट की बात करें तो लमसम वही 600-700 यूनिट अभी आएंगे। लमसम आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल यूनिट हम तब मानेंगे जब लाइसेंस के अंदर और रेरा आ जाएगा, उस टाइम कितनी यूनिट है और कितनी यूनिट जनरल कोटा के अंदर आ रही है, कौन सा लेआउट जनरल कोटा के अंदर है, कौन सा MQ। लेकिन हालांकि MQ के कुछ यूनिट हैं वो आ चुकी हैं, उसके अंदर बड़े टेरेसेस स्पेस मिलते हैं जिसका राइट आपके पास होता है, लेकिन उसका कुछ रिटर्न में नहीं होता है। वो सिर्फ आपका राइट होता है, एक लेटर आपको मिलता है, लेकिन वो उसका जो पार्ट है वो रजिस्ट्री के अंदर आपको मेंशन करके नहीं दिया जाता।
लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते। वैसे टेम्परेरी आप यूज कर सकते हो, गार्डन से स्पेस बना सकते हो या कुछ आप एक्टिविटी स्पेस है उसको आप यूज कर सकते हो। एमक्यू यूनिट का कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदे ये होते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, आप बाहर बैठ सकते हो, वहां से अराउंडिंग का व्यू मिलेगा, इसलिए एमक्यू जो यूनिट है उनकी बहुत वैल्यू मिलेगी फ्यूचर के अंदर जाके, क्योंकि अरावली की शाखाओं के अंदर आपको पता है कि गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हो गई है, वहाँ पे स्पारी पार्क बनाया जा रहा है और साथ के साथ जो M3M के जो प्रोजेक्ट है लो राइज, ये इस प्रोजेक्ट के चारों तरफ है। जब आप टेरेस के ऊपर बैठेंगे या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे तो ये व्यू बहुत ही शानदार व्यू आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो लो राइज हो और एक हाई राइज हो। इस प्रोजेक्ट के अंदर आने वाले टाइम में जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो मिलेगी आपको हाई राइज अपार्टमेंट की, मतलब हाई राइज ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उनकी। उसके अंदर टॉप फ्लोर पे एमक्यू की यूनिट है और फर्स्ट फ्लोर पे, ये दो फ्लोर के ऊपर एमक्यू की यूनिट है। इनके अंदर लमसम आप साइज है वो 1200 स्क्वायर फीट से लेके 1450 स्क्वायर फीट तक एमक्यू का साइज है। जो बेसिक जो पार्ट होता है, जो साइज होते हैं आपको, जो एक्चुअल जो रजिस्ट्री और लेआउट वगैरह जो मिलते हैं वो मिलता है 635 या 645, ये कारपेट एरिया मिलता है। उसके अलावा जो पार्ट रहता है आपका 800-850 स्क्वायर फीट जो भी, वो टेरेस का पार्ट होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं कुछ भी वहाँ पे आप, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो उसके अंदर। आप कुछ भी वहाँ पे पार्क बना लो, बैठने का कुछ ऐसा सीटिंग प्लान बना लो, बच्चों का खेलने की जगह बना सकते हो, कुछ भी आप अच्छी तरीके से वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अपनी एक्टिविटीज के अनुसार। तो इसके अंदर अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, जो एमक्यू की जो यूनिट आएगी वो लमसम आपकी 40 लाख से लेकर 50 लाख तक की उस एमक्यू यूनिट की कॉस्ट रहेगी। बेसिक जो कॉस्ट रहेगी जिसके ऊपर आपका लोन वगैरह जो भी सेंशन होने हैं वो रहेगी 29 लाख रुपए के ऊपर। 29 लाख रुपए के ऊपर आपका 90% बैंक लोन होगा, उसी के ऊपर आपकी रजिस्ट्री होगी, बाकी है वो एक एक्स्ट्रा पार्ट जाता है, आपको भी पता है। तो ये था एमक्यू का पार्ट। और दूसरी चीज अगर हम देखें कि भाई आपकी मान लीजिए उसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको मत गवाना, क्योंकि हो सकता है उसके बाद इस लोकेशन में आपको अफोर्डेबल ना मिले, वो आपको मानेसर साइड मिले या अदर साइड मिले, लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर आप अफोर्डेबल मान सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल में मैंने प्रॉपर लेआउट वगैरह इसके दे रखे हैं, अगर आप चेक करना चाहते हो तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो और आप ज्वाइन भी हो सकते हो। जैसे ही ये अफोर्डेबल आएगा उसकी एफिडेविट की जो भी रिक्वायरमेंट आप लोगों को पड़ेगी वो भी वहां पे जाके हम अपडेट कर देंगे, जैसे ही हमारे पास रिसीव होती है लॉन्च होने से पहले आपको मिल जाएगी। और अगर आप इसमें अप्लाई जनरल कोटा के अंदर भी अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि जैसे ही ये प्रोजेक्ट आए आपको तुरंत बताया जाए और आप तुरंत वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है ये भी चैनल के अंदर वीडियो डली है, आप स्टेप बाय स्टेप देख के भी आप एप्लीकेशन को आप फिल कर सकते हो। फिजिकली नहीं होगी, वो भी ऑनलाइन होगा, आपको जाना पड़ेगा TCP हरियाणा की साइट के ऊपर, टाउन एंड कंट्री प्लानर की साइट के ऊपर। तो दोस्तों ये थी प्रोजेक्ट की डिटेल। अब बात करते हैं आपके लोन की, कि मान लीजिए आप इस प्रोजेक्ट के अंदर या किसी अदर प्रॉपर्टी के अंदर भी जाना चाहते हो, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी के अंदर, तो सबसे पहले आप बैंक से अपना प्री अप्रूवल जरूर करवा लें। प्री अप्रूवल करवाने का आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट आता हो आप बेधड़क होकर आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। आपके पास एक आइडिया होता है कि आपका इतना बैंक लोन होगा, आपने खुद इतना अमाउंट पे करना है। अगर आपको प्री अप्रूवल करवाना है लोन, पहले ही चेक करवाना है कितना होना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक नंबर दे दूंगा जो कि बैंकर का है, हम उन्हीं से लोन करवाते हैं जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं या लग्जरी प्रोजेक्ट है। ये क्या करते हैं, आपको पहले ही आपसे डिटेल ली जाएगी कि भाई आप सैलरीड हो, पहले कोई लोन चल रहा है या कुछ और एक्सपेंसेस हैं, उसको काउंट करके आपको एक ये आइडिया दे देंगे कि आपको इतना लोन आपको सेंशन होगा, आपने HDFC से लेना है, ICICI लेना है या किसी और से भी लेना है। तो ये जो पर्सन है ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी साल से ये लोन डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर, तो आप इनसे डायरेक्टली आप रेफरेंस देके आप बात कर सकते हैं, ताकि आपकी एक अच्छी हेल्प हो सके। आप कभी भी प्री अप्रूवल लोन करवाने से पहले ही प्रॉपर्टी मत परचेज कीजिए। मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया और बाद में जाके आपका लोन नहीं हुआ और फिर आपको उसको कैंसिल कराना पड़ेगा तो आपका चार्ज कटेगा फ्लैट के अंदर, तो नुकसान आपका ही है। उससे अच्छा है कि आप एक कॉल करके अपना प्री अप्रूवल करा लो, उसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्जेबल नहीं देना, आपने फ्री में आप इनसे सलाह ले सकते हैं।
तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप पहले ही अपने आप को सेफ करके चलो दोस्तों। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हम आपको हर रास्ते के ऊपर सेफ इन्वेस्टमेंट और सेफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।